शराब खाए बिना तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता ना। उठ जा, चली गई। आज तो जान बच गई। तुम पुलिस ऑफिसर हो? अफसोस। पागल है वो लड़की। हाँ। ऐसे मारा जैसे उसकी किडनी चुरा लियो। उनकी तो हड्डी बस एक कर रहा। बहुत बेरहम है। सुना सुना, बहुत हाँ? बुरी तरह पीटा है वो। अब वो चोरी करना भूल जाएंगे। और के जी, लगता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ऐसा क्या? है चुप। अबे डर के मारे मुझे उल्टी हो रही है। पतली गली से ही निकल लेने में भलाई है। सर, आपके मस्कल का मैं दीवाना हो गया हूँ। हाँ। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए। ये कौन है? वासु। उसने हमारे दोस्तों को मारा। जाकर उसे कह दो कि कुंभकर्ण कन्हैया से अपने भविष्य के बारे में पता कर ले। कल शाम होने तक अगर उसने हमारे आदमी लोग को नहीं छोड़ा ना, याद रहे, हम अपना गुस्सा से सब चला देंगे, तुमको और पुलिस थाना को। एंजल, 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 वो हमारे हमारे सर की तरफ। सर, एंजल, बिना कुंभकर्ण कन्हैया से मिले वासु का भविष्य बताऊं? वासु और गैंग की बैंड बज गई है। इतनी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन सुनकर यार मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो जिन्होंने देखा होगा उनपे क्या गुजरी होगी? अरे उनका भूल जाओ, उनका सोचो जिनको पड़ी है। ए वासु सुन, उसे फंसाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक बिहारी ने मुझसे कहा था भाड़े पे मुस्टंडे भेजता है, बुलाओ उसे। हाँ जी। बिहार के मुस्टंडे मौत के घाट उतार देंगे। ये तो और अच्छा है ना बाबू। हाँ जी। तुम इतने होशियार कब से हो गए हो? वो तो बचपन से हूँ। हाँ जी। अपना मुंह बंद कर, इनकी जैसी पिटाई हुई ना वैसे तेरी कर दूंगा। उसने अपने हथकंडे मुझ पे आजमाने की कोशिश की थी, कहा बराबर वालों से लड़ो। मुझे क्या पता था वो तेरी तरफ रुख मोड़ लेगा। वासु, रास्ते के कुत्ते को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन अब पालतू कुत्ता ही काट ले तो क्या कर सकते हैं। वासु, बहुत ज्यादा काट लिया क्या? अरे बाप रे बाप, इसका तो सीना ही फाड़ के रख दिया। राम और सीता को ढूंढ रहा था क्या इसके सीने को चीर के? चाय पी लो वासु, पाव रोटी भी रखी है। हनुमान बना दिया इसे। उससे दूर रहने में भलाई है वासु, तुम अपनी बुरी आदतों से बाज तो आते नहीं हो। तुम्हारे लिए सबक बिल्कुल ठीक है। सब बहुत हो गया, अब देखना हम उसको ऐसा जाल में फंसाएंगे कि वो चाह कर भी बचकर निकल नहीं पाएगा। क्या कह रहे हो?
और इसके लिए खुद ईश्वर हमारे पास भेजेगा उसे। कुछ करने लायक नहीं हो तुम, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ हो जाए। अरे अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो, उधर जाके निकालो, जाओ। मुंह का स्वाद बदल दिया उसने, भला नहीं होगा उसका। इतने सालों बाद। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। ओके, क्या यहां पर? ओके, ठीक है, मैं आता हूं। सदियां बीत गई सर, इसकी आवाज सुने। किसका फोन था सर? कोऑपरेटिव बैंक से फोन। गांव वाले बैंक से सर? वहां का मैनेजर था, वो कह रहा था कि उसे 25 लाख रुपए कैश ट्रांसफर करने हैं, इसलिए उसे हमारी यानी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारे गांव का बैंक इतना अमीर हो गया, 25 लाख का ट्रांसफर? स्कूल के लिए कंप्यूटर लैब्स बनवानी है, मुझे कल सुबह 11 बजे तक कासरगोड पहुंचना है, उनका कलीग भी वहीं होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी सर, मुझे वहां से एक चूड़ीदार खरीदना है। तुम दोनों जा सकते हो, कहीं और से खरीद लेना। यस सर। अरे यार, ऐसे ही बजाया था। ऐसे ही बजाया। 25 लाख रुपए में हजम कर पाऊंगा? नहीं, ये बहुत बड़ी रकम है। मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ सर। हाँ, गाड़ी भी आ चुकी है। ओके, बाय। तो तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो? मुझे लगा नहीं था। अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ। तुम तो कोलन हाली के नए सेंसेशन द ब्रेव पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। बाय द वे, आई एम नित्या, नित्या निरंजन। दाऊद इब्राहिम। तुम्हारा नाम थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब क्यों लगा? एक्चुअली नॉर्मल लोग इस तरह के नाम बिल्कुल नहीं रखते। तुम्हारे पिताजी फाइट मास्टर है? नहीं है, लेकिन क्यों? उस दिन तुम्हें फाइट करते हुए देखा था ना, इसलिए पूछा। अच्छा, वो कोलन हाली ट्रांसफर होने से पहले मैं नासिक में रहती थी, वहाँ विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम की मैं वॉलंटियर थी, इसलिए सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स जानती हूँ। पढ़ाई क्या की तुमने? IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद से? तो कोलन हाली बैंक में क्या कर रही हो? क्यों, यहाँ क्या बुरा है? जानते हो मुझे क्या लगता है, हमें रेगिस्तान में पेड़ उगाने चाहिए। जंगल में पेड़ उगाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, क्योंकि रेगिस्तान में ही उस पेड़ की छाया का सच्चा मोल होगा। क्या तुम लेखक हो? नहीं तो, लेकिन क्यों? अच्छा हुआ लिखती नहीं हो। ये जो 25 लाख है ना, हम सब ने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं।